हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में रिसोल्वेंट कर्नेल क्या होती है और रिसोल्वेंट कर्नेल को किस तरह से निकाल सकते हैं ये सब पढ़ा था। इसमें भी एग्जांपल ले रहे हैं। ऑब्टेन द रिसोल्वेंट कर्नेल एसोसिएटेड विद द कर्नेल के एक्स जाई बराबर 1 - 3 xi इन द इंटरवल 0 1 एंड सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन यू एक्स बराबर 1 + λ 0 - 1 1 - 3 xi यू जाई डी जाई। तो इसकी रिसोल्वेंट कर्नेल निकालनी है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। हेयर के एक्स जाई जो है हमारे पास गिवन है 1 - 3 xi। वी नो दैट द इटरेटेड कर्नल आर गिवन बाय द रिलेशन, किस रिलेशन से दिया जाता है, के वन एक्स जाई जो को हम के एक्स जाई ले लेते हैं। तो यानी के एक्स जाई यानी के वन एक्स जाई जो हो गया 1 - 3 xi हो गया। एंड के एन प्लस वन एक्स जाई जो होता है वो होता है हमारे ए टू बी के एक्स टी के एन टी जाई डी टी। तो इससे रिसोल्वेंट कर्नल्स निकाली जाती है, इटरेटेड कर्नल जो निकाली जाती है वो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। तो यहाँ से के वन एक्स जाई जो हो गया 1 - 3 xi, के टू की बात करते हैं तो के टू हो जाएगा हमारे पास 0 - 1 के एक्स टी के वन टी जाई। तो के एक्स टी जहाँ पे जाई है वहाँ पे टी पुट कर देना, तो 1 - 3 xt, और यहाँ पे जहाँ पे टी है वो टी रहेगा और जाई की जगह जो एक्स की जगह जाई आ जाएगा, सॉरी जाई की जगह एक्स आ जाएगा। तो ये हो गया 1 - 3t जाई, ये हो गया डी टी। तो इसको 0 - 1 1 - 3 t जाई प्लस 3 xt प्लस 9 xt² जाई डी टी। अब डी टी के करस्पॉन्डिंग करना है, बाकी चीजें कॉन्स्टेंट रहेंगी, तो ये टी माइनस 3t² / 2 जाई माइनस 3 xt² / 2 प्लस 3 xt³ / जाई। ये हो गया हमारे पास लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने पे ये आ जाएगा हमारे पास, लिमिट अप्लाई करने पे ये आ जाएगा। इसी तरह K3 के लिए 0 - 1 KXT K2 TJI। तो ये हमारे पास वैल्यू पुट की और सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमारे पास और इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 1 - 1/4 1 - 3 xi। इस तरह से K4 निकालेंगे तो K4 ये आ जाएगा। तो यहाँ से रिसोल्वेंट कर्नल जो है वो किस तरह से दी जाती है, K1 + λ K2 + λ² K3 + λ4 K4। तो यहाँ से रिसोल्वेंट कर्नल हो गए 1 - 3 xi + λ, और जो के टू की वैल्यू आई थी वो +λ² / 4 जो K3 वैल्यू थी प्लस डॉट, इस तरह से चलती हुई ये जो कर्नल है रिसोल्वेंट कर्नल है यहाँ पे। इसको और अगर हम सॉल्व करें तो 1 - 3 xi 1 - 3 xi यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 1 - 3 xi कॉमन ले लिया, तो 1 + λ² / 4। और यहाँ पे अगर इन दोनों में से देखें, इन दोनों में से तो ये चीज़ें कॉमन ली जा सकती है, ये कॉमन लिया जा सकता है। तो ये कॉमन ले लिया, तो 1 λ λ से कॉमन ले लिया, लेमड़ा 1 - 3xi / 2 - 3x / 2 + 3xi, और ये 1 + λ² / 4। तो अगर यहाँ पे देखें तो हर टर्म में हमारे पास ये चीज़ें चलती जाएंगी, तो ये चीज़ें कॉमन होती जाएंगी, 1 + λ² / 4 कॉमन हो जाएगा, तो 1 - 3xi कॉमन होता जाएगा हर और टर्म में। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 - 3 xi कॉमन हो जाएगा, तो 1 + λ² / 4 प्लस डॉट डॉट इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये लेमड़ा ये चीज कॉमन आ जाएंगे हमारे पास, और 1 + λ² / 4 प्लस ये चीज चलती जाएंगी आगे टर्म के लिए। तो इसको अगर हम सभी में से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - λ² + 4, और ये टर्म अलग और ये टर्म अलग, यानी कि ये चीजें जो है पूरे में से कॉमन आ जाएगी, क्योंकि दोनों में 1 + λ² / 4 प्लस टर्म नेक्स्ट टर्म इस तरह से या नेक्स्ट टर्म होंगी। तो ये हो गया हमारे पास 1 / 1 + λ² / 4, क्योंकि इसको इस एक्सप्रेशन को भी देखें तो बन इसका जो 1 - r जो कि इनफाइनाइट सीरीज का सम है, तो उससे हमारे पास यहाँ पे अगर आर की वैल्यू देखें तो वो है λ² / 4। तो यहाँ से ये सम हो गए 1 / 1 - λ² / 4। तो ये हो गया, और ये 1 - 3 xi जो कि हमारे पास कॉन्स्टेंट है, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 4 / 4 - λ² 1 - 3 xi + λ, और ये टर्म विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। वी नो दैट द सॉल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्यूशन जो होता है वो होता है हमारे पास यू एक्स बराबर FX + λ a to b के एक्स जाई यू जाई डी जाई। तो इस तरह से के एक्स जाई यू जाई डी जाई को इस यहाँ पे किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन जो होता है किसी इंटीग्रल इक्वेशन, इस इंटीग्रल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है जो हमने बॉलिट्रा इंटीग्रल इक्वेशन के टाइम पे पढ़ा था वो होता है यू एक्स बराबर FX + λ a to b
रिसोल्वेंट कर्नल एफ जाई यानी एपेक्स की जगह एफ जाई डी जाई। तो यहाँ से रिसोल्वेंट कर्नल क्या आई थी, रिसोल्वेंट कर्नल ये है इसकी, तो रिसोल्वेंट कर्नल की जगह यहाँ पे ये पुट कर देंगे हम, यू एक्स बराबर बेसिकली एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स अगर देखें तो हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम थी उसमें एफ एक्स है हमारे पास वन, एफ एक्स जो है वो है वन। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास वन प्लस, और ये हो गया हमारे पास कॉन्स्टेंट वाली टर्म जो है फोर लेमड़ा अपॉन फोर माइनस लेमड़ा स्क्वायर, इसको बाहर ले लिया, और वन माइनस थ्री एक्स जाए प्लस लेमड़ा वन माइनस थ्री एक्स जाए ये हमारे पास यहाँ पे सेम रखा, और यहाँ पे एफ जाए को वन डी जाए ये हो गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास वन प्लस फोर लेमड़ा, ये कॉन्स्टेंट है, सिंपली इन टर्म का इंटीग्रेशन करना है, इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है बेसिकली। तो इस टर्म का इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन आ गया तो लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने पे हमारे पास ये आ गया फाइनल में, फोर अपॉन फोर लेमड़ा माइनस सिक्स एक्स लेमड़ा फोर माइनस लेमड़ा स्क्वायर, जहाँ पे लेमड़ा जो है नॉट इक्वल टू प्लस माइनस टू होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्लस माइनस टू के इक्वल हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ऑफ गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। तो इस तरह से रिसॉल्वेंट कर्नल की हेल्प से हम किसी भी फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स जैसे एग्जाम्पल वन फोर, एग्जाम्पल फाइव, और भी कुछ एग्जाम्पल जैसे ये वाले एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सेपरेबल कर्नेल्स, सेपरेबल कर्नेल्स और उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं।